हेलो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बेस्ड डी एक्वा। तो आज बेसिकली बात होने वाला है हमारा जो वीडियो फिश है उसके ब्रीडिंग के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ, यानी कि कौन सा फिश मेल है और कौन सा फिश फीमेल है, ये समझना ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, बट आप पकड़ लेते हो वो बहुत ही मुश्किल है। तो मैं कुछ ऐसे चीज दिखाने वाला हूँ, एक ही या दो, उससे ही आप समझ जाओगे कौन सा फिश मेल है और कौन सा फिश फीमेल है। और बात होने वाला है आप कैसे आपके वीडियो फिश को ब्रीडिंग के लिए रेडी करवा सकते हो। तो वीडियो की ओर जाने से पहले देख सकते हो मेरे पीछे ये वाला टैंक है, यानी कि ये वाला जिसको कि मैंने डिवाइड कर लिया, इसमें पानी है, ये खाली है। तो इसके ऊपर मैं कुछ नए प्रोजेक्ट का काम करने वाला हूँ, तो इसके ऊपर कुछ दिनों में वीडियो आ जाएगा, देख लेना। और तो चलो वीडियो की ओर जाने से पहले, मेरे चैनल में नए हुए, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, जाओ जगह जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो ज्यादा देरने के चलते वीडियो की ओर। तो फिलहाल हम आ चुके हैं छत में और इधर देख सकते हो दो टैंक जिसमें कि हमारा वीडियो टेटर जाने वाला है, और इधर है हमारा वीडियो टेटर। और ये जंगल भेल देख सो, इसका हालात कुछ एल की वजह से ख़राब हो रहा है। तो इसमें से कुछ मेल है और कुछ फीमेल है, जिसको कि मैं अलग करके उस टैंक में रखने वाला हूँ, उस दोनों टैंक में। और उनमें से ये देख सकते हो इस टैंक में जितने भी सारे फिश है, ये है फीमेल और इस साइड में है मेल। तो इधर जितने भी सारे जंगल भेल है, उस साइड वाले जंगल भेल है, यानी कि हमारा इस टैंक का जंगल भेल, ये देखो ये पूरा सूना हो चुका है, पूरा खाली है, और इसमें मॉली। और इधर है वीडियो टेटर, इसमें मेल है। दोनों को मैं दिखाने का थोड़ा कोशिश करता हूँ, रोशनी की वजह से प्रॉब्लम होता हुआ, बट ये देखो फोकस ले लिया है। और इधर देख सकते हो इधर मेरे पास 6 कलर के है, यानी कि नीला, पीला, हरा, ऑरेंज, लाल, पिंक, बहुत सारे कलर के। और इधर भी फीमेल भी उतना ही है, ठीक है। और मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ एक दो फीमेल, उसके बाद देखेंगे कौन सा चीज़ से आप समझ सकते हो कौन सा फिश मेल है और कौन सा फिश फीमेल है। तो इधर देख सकते हो मैंने एक फिश को पकड़ लिया जिसके पेट में है एग्स, यानी कि अंडे। तो इधर सबके पेट में ही अंडे है, बट कुछ के पेट में ज़्यादा है, कुछ के पेट में थोड़ा बहुत कम है। तो कुछ दिन बाद ये लोड हो जाएंगे सारे के सारे। तो इसको एक वीक के लिए, यानी कि 7 दिन के लिए मैं ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ, और उसके बाद जितने भी सारे वीडियो टेटर हैं उनको मैं ब्रीडिंग पे बिठाने वाला हूँ। और ये 7 दिन मैं इनको ज़्यादातर लाइव फीडिंग करवाने वाला हूँ, यानी कि जो हमारे ट्यूब फिक्स वाम आते हैं, यानी कि केचुआ मछलियों को खिलाने वाला कोई मैं देने वाला हूँ। और उसको भी छोड़कर जो ऑप्टिमम का पैलेट फूड आता है मैं वो भी फीड करवाने वाला हूँ। तो चलो अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते और चलते मेन टॉपिक, यानी कि मेल और फीमेल समझने की ओर। हेलो, तो इधर देख सकते हो मैंने दो फ़ोटो ले लिया है। दो फोटो लेने का रीज़न ये है क्योंकि वीडियो में जो मछलियाँ है वो बहुत ही फास्ट होते, स्टेबल नहीं रहते, इसलिए समझाना थोड़ा बहुत दिक्कत है। और इमेज तो स्टेबल ही रहता है, इसलिए इमेज में समझाना थोड़ा बहुत आसान वाली बात है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ दिखाते हैं जिससे कि आप समझ सकते हो कौन सा मेल और फीमेल है, बट वो लोग फिन दिखाएंगे, डॉट सर फिन दिखाएंगे, पीछे वाला टेल, बहुत सारे चीज़ दिखाएंगे जिससे कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो इसलिए मैं सिर्फ एक चीज़ दिखाऊंगा जिससे कि आप पूरा पूरी कन्फर्म हो सकते हो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। और इनमें से तो एक ब्लू है, यानी कि नीला है, और एक का कलर मुझे नहीं पता, इसका शायद से नीला और पिंक का, यानी कि ब्लू और पिंक का क्रॉस होके ये आया है। तो आप लोगों को इसका नाम पता है तो जाओ जाके मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देख लूँगा, मुझे इसका नाम नहीं पता। तो मैं बेसिकली बॉडी शेप के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, यानी कि एक बॉडी शेप दिखाऊँगा। बॉडी शेप ही दिखाते हैं हर लोग ना, हाँ बॉडी शेप ही तो दिखाते हैं। तो मैं भी बॉडी शेप दिखाऊंगा और एक चीज़ बता दूंगा जिससे कि आप पूरा पूरी कॉन्फर्म हो सकते हो। तो चलो जाते। तो ये देख सकते हो जो नीला वाला है, ये है मेल। तो कैसे समझोगे आप ये मेल है? तो इसका देख सकते हो सर, यानी कि जो आँख के ऊपर का एरिया है वो पूरा पूरी राउंड है, ठीक है। आप फिन टेल कोई भी चीज़ को मत देखना, सिर्फ देखना आँख के ऊपर का एरिया है, यानी कि जो सिर है वो राउंड है तो मेल है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मत देखना, राउंड है तो भाई मेल है, ठीक है। तो मेल का जो है सिलसिला वो चलेगा। तो चलो अभी फिलहाल फीमेल के ऊपर चलो। अभी फीमेल का जो सर है, यानी कि जो आँख है, आइस के ऊपर का एरिया, यानी कि हेड, सर, जो भी बोलो, देखो उधर थोड़ा सा कर्व है, यानी कि डेंट टाइप सा है, कुछ गड्ढा टाइप सा,
यानी कि क्या बोलूँ, टेरा देख सकते हो, पूरा समझ सकते हो, अलग है ये, पूरा राउंड है और ये अलग है। तो ये है फीमेल, ऐसा दिख रहा है तो भाई पूरा पूरी समझ लेना वो फीमेल है, कोई भी चीज़ मत देखना, ऐसा है तो फीमेल है और राउंड है तो मेल है भाई। तो ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, राउंड है तो मेल है, ऐसा कर्व है तो फीमेल है। तो भाई यही छोटे छोटे चीज़ है और ज़्यादा कुछ नहीं है, मेल फीमेल समझने का यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है सर, ठीक है। समझ सर, जितने भी सारे ब्रीडर्स है यानी कि बड़े बड़े फार्म में जो लोग काम करते हैं वो लोग ज़्यादातर ये जो सर है इसको देख कर ही समझते। तो भाई आप भी ऐसे ही समझ सकते हो कौन सा वाला मेल है और कौन सा वाला फीमेल है, तो ऐसे ही समझ सकते हो। और इधर देख सकते हो दोनों साइड में एक मेल है, एक माने कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। तो इनको मैं एक वीक के लिए ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम इनके लिए मैं ट्यूबी फ्लिक्स खिलाने वाला हूँ, मैंने पहले भी बोल दिया था। तो चलो फिलहाल इनको एक वीक के लिए छोड़ देंगे। तो आज के लिए इतने, और जो लोग मुझको इतना सपोर्ट कर रहे हो उनको इतना प्यार दे रहे इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार करते रहो जिससे कि मैं और भी आगे जा सकूं और आपके लिए नया नया वीडियो ले सकूं। और जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो या मेरे चैनल में नए हो तो जाओ लेकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। चलो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए फिर से एक बार बाय बाय।